हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एसआर मेडिकल लाइन में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं बीके वर्मा, फार्मासिस्ट एंड मेडिसिन काउंसलर। आज हम लोग जानते हैं लाइनेक्सोडी के बारे में, जो वेलेस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है लाइनेक्सोडी नया मार्केट में लॉन्च किया गया। हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा यानी नई जानकारी मिलने वाली है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइनेक्स के कम्पोजिशन से। लाइनेक्स ओडी जो होता है उसका कम्पोजिशन की बात किया जाए तो लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 1000 सस्टेंड रिलीज इसका कम्पोजिशन होता है। इसकी अगर कंपनी की बात किया जाए, लाइनेक्स ओडी किस कंपनी का है, तो ये वेलेस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये है मैनुफैक्चरिंग किया गया है। इसकी एमआरपी की बात किया जाए तो ये 5 टेबलेट यानी 5 टेबलेट आपको 180 रुपये में 5 टेबलेट जो होता है कंपनी प्रोवाइड करवाती है। 1 टेबलेट की बात किया जाए तो ये 36 रुपये 50 पैसे में 1 टेबलेट आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, परचेज हो जाएगा। और इसकी अब हम लोग जो है यूज की बात करते हैं तो ये जो है जिंजिवाइटिस, अगर किसी प्रकार की दांतों में इन्फेक्शन हुआ हो या डेंटल इम्प्लांट यानी डेंटल को जो है प्री एंड पोस्ट सर्जरी हुआ हो तो इसमें फर्स्ट च्वाइस आप डॉक्टर जो डेंटल डॉक्टर होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का ज्वाइंट्स पेन यानी ज्वाइंट्स में किसी भी प्रकार का स्वेलिंग वगैरह हो बोन्स वगैरह में, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अब हम लोग जानते हैं सेकेंड यूज की तरफ जानते हैं, तो भाई ईयर इन्फेक्शन, थायराइड इन्फेक्शन, रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन URTI, और जो है ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जो सीवियर बैक्टीरिया जो है ग्रो कर गई हो बॉडी में, तो उसको किल करके एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये बॉडी में जाके कैसे वर्क करता है जो लिंकोमाइसिन होता है, ये बॉडी में जाके जो है इसको जब ओरल द्वारा लेते हैं तो ये बॉडी में जाके डिजोलेशन होता है। उसके बाद जो होता है जहाँ पे वर्क करना चाहिए यानी जो बैक्टीरिया होती है उसको, जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसको पूरी तरीके से डैमेज किल कर देता है। ये किल करके जो बैक्टीरिया किल हो जाती है इस प्रकार जो होता है बॉडी में जाके वर्क करता है। अब हम लोग इसकी जो है साइड इफेक्ट की बात करते हैं। साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो इसकी रेसेस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये सब जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट जो है देखे गए हैं। हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद में आती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।